जय श्री राधे मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ चंद्रवदनी। और चंद्रवदनी भक्ति रस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, यही कामना माँ भगवती से। और चंद्रवदनी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आजकल आपको नवग्रहों से और राशियों से संबंधित जानकारियाँ अवगत कराई जा रही हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको तुला राशि और तुला लग्न की जो कुंडली है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक ही विनती आग्रह है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो चैनल में नए आए हैं वह जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अपना सहयोग जरूर चैनल को प्रदान करें, अपना सहयोग हमें भी प्रदान करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो और वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। तो आज हम तुला लग्न की कुंडली के बारे में, तुला राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली के बारे में। तो तुला जो राशि है यह सातवीं राशि है और भचक्र में इस राशि का विस्तार जो है 180 अंश से लेके 200 अंश तक हुआ है। और इस राशि का जो अधिपति स्वामी है वह शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल में जो है सर्वाधिक चमकने वाला आकाशीय पिंड है। आकाश मंडल में तुला राशि जो है कन्या राशि के दक्षिण और पूर्व भाग में है तथा राशि का जो निवास है, संबंध है, वस्ती भाग नाभि के नीचे आसपास गुर्दे एवं मूत्राशय से है। इस राशि के अंतर्गत जो है चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो पद, स्वाति के चार पद तथा विशाखा के तीन पद आते हैं। अर्थात चित्रा नक्षत्र के अंतिम के दो चरण और स्वाति नक्षत्र के चारों चरण और विशाखा के प्रथम तीन चरण आते हैं। चित्रा राशि का जो स्वामी है मंगल है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु, विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु माना जाता है। अब इन नक्षत्रों के चरणों के नाम, इन नक्षत्रों के जिस नक्षत्र के जिस चरण में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके अनुसार उसका नाम होता है। जैसे रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, तो इन अक्षरों से नाम रखा जाता है। लग्न एवं लग्नेश के अतिरिक्त जन्म एवं नाम राशि व उसके नक्षत्र स्वामी का भी जातक के जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी जातक के जन्म समय का लग्न स्पष्ट जिस नक्षत्र के अंश या पद पे चरण पर होता है उस नक्षत्र भाग के स्वामी के अनुरूप भी जातक का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो उसी नक्षत्र के अनुसार उस जातक का व्यक्तित्व होता है। यद्यपि राशि स्वामी या लग्नेश शुक्र का प्रभाव भी जीवन में रहता है, इसके अतिरिक्त जातक के लग्न संबंधित होरा, देशक्राण, नवांश, त्रिशांश आदि षड वर्ग के कुंडलियों का विश्लेषण कर लेने से जातक के व्यक्तित्व, माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, संतान आदि सुखों के संबंध में और अधिक, उससे भी अधिक सूक्ष्मता से एवं स्पष्टता आ जाती है। उससे भी अधिक छोटी छोटी बातों की जानकारियां सब इससे पता चल जाती हैं। अब तुला राशि जो है ये इसके अनेक पर्यायवाची नाम हैं, तौली, वणिक, तुलाधर और पण्याजीव, योग इत्यादि अनेक अनेक इसके नाम हैं। तुला राशि सौंदर्य एवं संतुलन की राशि है। आकाश मंडल में इसका स्वरूप श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के हाथ में तराजू धारण किए हुए एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष की भांति है। इसकी स्थिति कन्या राशि के दक्षिण पूर्व भाग में है। तुला राशि जो है न्यायप्रिय राशि मानी गई है और क्योंकि इसका चिन्ह जो है तराजू है जो कि न्याय का प्रतीक है। यह जो राशि है यह न्यायप्रिय राशि मानी गई है और यह जो राशि है यह बृहत्काय राशि और पुलिंग पुरुष जाति, चर संज्ञक, वायु तत्व प्रधान, युवावस्था वाली, नीलवर्ण, क्रूर किंतु विचारशील स्वभाव वाली राशि है। दिवाबली है, रजोगुणी है, त्रिधातु प्रकृति की है और विषम संख्यक शूद्र जाति वाली राशि है। इस राशि में जो तुला राशि है इस राशि में शनि जो है 20 अंश पे परम उच्च के हो जाते हैं और सूर्य इस राशि में परम नीच की अवस्था में माने जाते हैं। शुक्र इस राशि में 1 से और 10 अंश तक मूल त्रिकोण तथा 10 से और 30 अंश तक स्वराशिगत माने गए हैं और
निर्यण सूर्य गोचर वश प्रतिवर्ष इस राशि में 17 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर के मध्य इस राशि में संचार करते हैं। फलित ज्योतिषी अनुसार तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है, अर्थात इस समय अवधि में तुला राशि पर शुभ विकरणीय प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अब इस राशि के गुण और सामान्य विशेषताएं क्या हैं? तो तुला जो है न्याय एवं अनुशासन प्रिय राशि है, इसका क्योंकि इसका चिन्ह समभाग में रखा हुआ तराजू है जो कि न्याय का प्रतीक है। यह सौंदर्य न्याय एवं संतुलन की राशि मानी गई है। जातक सौम्य एवं हसमुख होता है, मिलनसार होता है, शांति प्रिय होता है और वैश्य जाति होने से व्यवहार कुशल, लेन देन में स्पष्ट एवं ईमानदार, सतर्क सावधान एवं मध्यस्थता के कार्यों में निपुण होगा। चर एवं वाय तत्व राशि होने से संवेदनशील, भावुक परंतु दयालु परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाला व्यक्ति होता है। स्त्री वर्ग सिनेमा संगीत अभिनय आदि कलाओं में विशेष रुचि होगी। यह राशि न्याय नीति धर्म एवं स्मृति आदि शास्त्रों का भी प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह जो तुला राशि है यह न्याय प्रिय राशि कही गई है। तो तुला राशि के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारियां आपको बताई। आपको यह वीडियो कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए और जो चैनल में नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब चैनल को करें, अपना प्यार प्रदान करें, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो कोई त्रुटियां भी हमसे हो रही हैं तो उसके बारे में भी आप अवगत कराएं कमेंट के माध्यम से। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय मां चंद्र।